दोस्तों टीएचएफ की टीम आज आपको इस्लामाबाद का एक मॉडर्न विलेज दिखाने के लिए लाई है। इस गांव की पहली किस्त आप देख चुके होंगे। आज की वीडियो में हम आपको झांसी का मंदिर और मान सिंह का धर्मशाला दिखाएंगे। हमारे वो व्यूवर्स जिन्होंने हमारी इस सिलसिले की पहली एपिसोड नहीं देखी थी, उनको ये बताते चलें कि ये एक मॉडर्न विलेज है जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में दामिने को के करीब मारगला पहाड़ियों में वाक़िया है। ये 500 साल पुराना मुग़ल दौर का एक गांव है। इस गांव में आपको हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों की मुश्तरका सकाफत देखने को मिलेगी। यह मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद देखने को मिलेगी। ये मजहबी और सकाफती वर्षा के साथ साथ मुल्की और गैर मुल्की सियाहों के लिए एक बेहतरीन सियाहती मुकाम है। आज की इस एपिसोड में हम आपको झांसी का मंदिर और मान सिंह का धर्मशाला दिखाएंगे। दोस्तों आप इस मंदिर और गुरुद्वारा के मनाजिर से लुत्फ अंदोज हों और हम आपको इसकी तारीख के बारे में बताते हैं। दोस्तों कमांडर राजा मान सिंह ने हिंदू इबादत गुजारों के लिए एक जगह के तौर पर इस गांव को कायम किया था। मान सिंह ने सन 1580 में इस जगह का दौरा किया। महाकावि रामायण के किरदारों के नाम पर कई तालाब बनाए और इनके नाम हनुमान कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामा कुंड और सीता कुंड के नाम पर रखे। रावलपिंडी के हिंदू वहां जमा होकर बैसाखी मनाते थे। 20वीं सदी में सिखों के जरिए मंदिर के साथ मुल्हिका एक गुरुद्वारा तामीर किया गया, जिसने गुरु नानक की तालीमात को फैलाने के लिए एक स्कूल के तौर पर काम किया। 1947 में बरे सगीर की तकसीम तक वाह गुरु और देवी लक्ष्मी और काली एक दूसरे के साथ पूजा किया करते थे। 1947 के बाद मुकामी हिंदू हिंदुस्तान हिजरत कर गए और अपने बुत भी अपने साथ ले गए। मान सिंह के धर्मशाला को आर्ट गैलरी बना दिया गया है और इसमें इस्लामाबाद की पुरानी तस्वीरों की नुमाइश करने वाला एक म्यूज़ियम भी खोला गया है। दोस्तों आप में से जब भी कोई सैदपुर गांव को विज़िट करने के लिए आए तो वो ये म्यूज़ियम ज़रूर देखे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जब भी यहां तशरीफ़ लाएंगे इन 500 साल पुरानी इमारत को देखकर एक दफ़ा माजी के कारीगरों को दाद देना नहीं भूलेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वो हज़रात जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।